बरेली भाजपा के सदस्य नरेश पाल गुप्ता भू माफियाओं के खिलाफ आज 15वें दिन भी अनशन और बैठे। उनका आरोप है कि भू माफिया अनिल प्रताप राणा निवासी फरीदपुर अपने गिरोह के साथ संकर्मीय जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवा रहा है। फरीदपुर पुलिस से सांठ गांठ कर करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। उनकी मांग है कि अनिल राणा ने जमीन बेची है, उनका बैनामा रद्द किया जाए। भू माफिया ने जो जानलेवा हमला किया है उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। अखिल भारतीय महा और वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश चंद गुप्ता भी नरेश गुप्ता के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने भी भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कानूनी न्याय दिलाने की मांग की है। राजेंद्र गुप्ता, प्रांतीय महामंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। ये हमारे वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं श्री नरेश पाल गुप्ता जी, और वरिष्ठ व्यापारी भी हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, पूर्व प्रधान भी हैं। इनकी भूमि पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, तहसील फरीदपुर में, जिला बरेली में। उसको लेकर के ये निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और अपनी भूमि को छुड़ाने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। जब इन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली तो ये विगत 15 दिन से यहाँ पर निरंतर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि उसके बाद भी जिला प्रशासन के कान में जूनी रहेंगी है। हमारा आपके माध्यम से जिला प्रशासन से आग्रह है कि वह नरेश पाल गुप्ता जी की सही जायज मांगों को पूरा करें, उनकी बात को सुने और उनकी जिस भूमि पर कब्जा हुआ है वो अवैध कब्जेदार को हटा करके उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके इनकी भूमि को मुक्त कराया जाए। अगर वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए या अपनी संपत्ति बचाने के लिए इस लोकतांत्रिक देश में धरने पर बैठने पड़े तो ये बहुत शर्मनाक बात है। जिला प्रशासन को अविलंब इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और इसको आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने बहुत गंभीरता से लिया है। निश्चित तौर पर हम लोग जो है इसमें आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे और नरेश पाल जी की पूर्ण मदद करेंगे। नरेश पाल गुप्ता, इस समय मॉडल टाउन कॉलोनी बरेली, क्या मामला है? हमारे लड़कों के नाम से कस्बा फरीदपुर, तहसील फरीदपुर में संक्रमणीय भूमि है। वहाँ पर एक भू माफिया अनिल प्रताप राणा, पुलिस प्रशासन फरीदपुर के सहयोग से हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। अवैध कब्जा करके अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार कर रहा है। इस संबंध में हम फरीदपुर थाने से लेके और तहसील जिला मंडल लखनऊ मतलब शासन और राजस्व प्रशासन चेयरमैन, इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, हर जगह अपना शिकायती प्रार्थना पत्र दे चुके हैं और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फरीदपुर में लगातार जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। ये अवैध निर्माण ये हो रहा है 26/12/2017 को। सबसे पहले हमने शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को दिया 26/12/2017 को। हमारी जमीन बिल्कुल खाली थी। उसके बाद 25/1/2018 को दिया, 1/30/1/2018 को दिया, जमीन बिल्कुल खाली थी। उसके बाद हमने 2/3/2018 को दिया कि ये अवैध निर्माण कर रहा है। इसके अलावा बराबर हम अवैध निर्माण की कार्रवाई के लिए वो देते रहे अपना शिकायती प्रार्थना पत्र, लेकिन कहीं से कहीं तक फरीदपुर पुलिस प्रशासन ने कोई भी किसी प्रकार का सहयोग ना करके और हमारी जमीन पर अवैध साठ गांठ से मिली भगत से है। मैं उसका पक्का प्रूफ है कि मैं आज 15 दिन से धरना पर बैठा हुआ हूँ और इसके बाद मैंने सुना आज 1 अक्टूबर को ICDM ने, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने वहाँ करीब 16 लाख की जमीन अभी बेची है। इसी 1 अक्टूबर जानकारी मुझे मिली है, आज उसमें बुनियाद खुद रही है। तो यह शर्म की बात है तहसील फरीदपुर पुलिस प्रशासन को कि हम धरना बैठे हुए, हम अपनी जमीन छुड़ाने को बैठे हैं, वो अवैध रूप से जमीन कब्जा कराए रहे हैं। ये क्या है, ये किसके हैं? ये हम तो अभी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे आंवला लोकसभा से, तो इसमें हमने समर्थन दिया भाजपा प्रत्याशी माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी को और हम अभी सदस्य भी बने हैं 27 जनवरी 2020 से भाजपा के सदस्य अभी बने हैं माननीय नड्डा जी के यहाँ से, अभी जो जनवरी 2020 से हैं। तो हम बराबर संघर्षरत हैं और मैं हर जगह से पीड़ित किया जाता है, मैं परिवार के बैठे हैं, सहयोगी बैठे हैं, 3 बार हम मतलब उसमें बराबर सुना के प्रधान रहे हैं और भी सामाजिक संस्थाओं से काफ़ी जुड़े हैं। बहुत अलग बात। NG News से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।